तो भाई ये कौन सी बाइक आ गई? क्या ड्यूक 390 है? जी नहीं। यमहा की R3? जी नहीं। निंजा 300? वो भी नहीं भाई। तो फिर क्या ये यमहा की MT-03 है? नहीं भाई, ये है अप्रिलिया की RS 457। इन सारी बाइकों को कच्चा खा जाने वाली, चबाने वाली ये है बाइक RS 457। अभी न्यू लॉन्च बाइक है, और इस बाइक को अगर एक सुपर बाइक वाली फीलिंग कहा जाए ना, या फिर बोला जाए, तो कोई भी गलत नहीं होगा। क्योंकि यार इसका जो लुक और स्टाइल है काफी ज्यादा बल्की है, बल्की लुक के साथ आपको मिल जाएगा, काफी ज्यादा मस्कुलर लुक के साथ मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में इसकी प्राइसिंग आपसे शेयर करूंगा, और इसके लुक और स्टाइल के बारे में बात करूंगा, इसके प्राइस के साथ साथ आपको स्पेक्स भी बताऊंगा, और ये बाइक आपके लिए कितनी ज्यादा परफेक्ट होने वाली है उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो कलर ऑप्शन देख लो। तो ये है भाई एक कलर आपका डार्क एडिशन, जो आप देख पा रहे होगे, और इसका लुक और स्टाइल कुछ इस टाइप से दिया गया है। सबसे पहले मैं आपको कलर लुक दिखाता हूँ, जितने भी कलर हैं यहाँ पे अवेलेबल शोरूम में। और जो दूसरा कलर हमारे पास है अवेलेबल, ये भाई ये वाला कलर, ये आप देख लो, और ये वाला व्हाइट कलर है, जो आप लोग जानते थे जब ये लॉन्च हुआ था, तो पहली जो वीडियो आई थी ना, इसी की वीडियो आई थी। और ये वाला जो कलर है और भी ज़्यादा अच्छा और खूबसूरत लगने वाला है। तो अगर कलर ऑप्शन देखें तो तीनों कलर आपको बहुत ज़्यादा बेटर ऑप्शन के साथ मिल जाएंगे। अब चलिए थोड़ा सा स्पेक्स और फीचर्स की बात करते हैं। तो देखिए जो अप्रेलिया RS 457 है वो लुक और स्टाइल में कैसा है, तो ये देखो फ्रंट की साइड में आपको क्या मिलता है। एक बड़ी सी आपको यहाँ से विंड स्क्रीन देखने को मिलेगी, और ये आपको मिलेगा भाई ट्रांसपेरेंट के साथ में। नया कलर, नया ग्राफिक सेट किया गया है, DRL की विजिबिलिटी कुछ ऐसी होने वाली है, प्रोजेक्टर LED हेडलाइट का सेटअप है यहाँ पे। और ये वाला देखो, ये जो फाइंडर है काफी ज्यादा शॉर्ट फाइंडर दिया गया है, 320mm की यहाँ पे डिस्क साइज है, डुअल चैनल ABS है, USD 4 आपको मिल जाएंगे। और यहाँ पे अगर आप रिम पे देखोगे, एक नया कलर थीम आपको देखने को मिलेगा, 110 सेक्शन का टायर आपको आगे मिलेगा 17 इंच व्हील्स के साथ में, और पीछे वाला जो टायर सेक्शन है वो आपको मिलेगा 150 सेक्शन का, काफी ज्यादा सुपर वाइड ट्यूबलेस टायर है। और टायर की ग्रिप वगैरह आप देख लो, कुछ ऐसे आपको मिलने वाली है, 220mm की डिस्क साइज है, और ABS तो आपको यहाँ भी मिल जाएगा। फुटपैक्स की क्वालिटी देखो तो कुछ ऐसी मिलने वाली है आपको, ये फोल्डिंग में मिलेंगे, ये स्प्रिंग में मिलेंगे, ब्रेक पैड कुछ ऐसा है। और अगर सीट देखते हो ना भाई, तो सीट की अगर राइडर वाली सीट देखोगे तो यहाँ पे थोड़ी सी आपको बढ़िया मिलेगी, कंफर्ट अच्छा मिलेगा आपको, 800mm की सीट हाइट है। और जो पिलियन वाली है थोड़ा सा छोटी है, तो हो सकता है थोड़ा सा अनकंफर्टेबल आपको लगे, लेकिन फ्यूल टैंक का जो टॉप डिजाइन है कुछ ऐसा रहने वाला है। अप्रेलिया रेसिंग की यहाँ पे बैजिंग मेंशन देखने को मिल जाएगी, और E20 को तो भाई सपोर्ट करता ही है, सारी बाइक करती हैं। और यहाँ पे क्लिफ ऑन टाइप आपको हैंडल बार देखने को मिलेंगे। इंस्ट्रूमेंट कंसोल में क्या फीचर्स है आगे मैं आपसे शेयर करूंगा, लेकिन फिलहाल इसकी माइलेज मैं आपको बता दूं, तो इसकी जो माइलेज है लगभग आपको 30 KMPL की कंपनी ऑफर कर रही है, यानी ये बोल रही है कि 30 KMPL माइलेज देगी, बट जहां तक मेरा आइडिया है 25 से लेकर 28 के बीच में आपको अराउंड माइलेज यहाँ पे प्रोवाइड हो जाएगा। एक बाइक में आपको क्या चाहिए, एक बाइक में चाहिए आपको इंजन, वो भी काफी ज्यादा दमदार होना चाहिए। तो जो इसकी इंजन है ना 457 की है, CC की है, और यहाँ पे देखिए तो आपको बड़ा सा रेडिएटर दिख रहा होगा, तो भाई ये लिक्विड कूल्ड टेक्नोलॉजी के साथ आती है, ट्विन सिलेंडर इंजन आपको मिलता है, 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन गियरबॉक्स देखने को मिलेगा, साइड स्टैंड मिलेगा, 130mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस से मैनेज करना पड़ेगा। बाकी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अप्रिलिया रेसिंग की बैजिंग मेंशन देखने को मिल जाती है, और इंजन है काफी ज्यादा भारी भरकम इंजन आपको यहाँ पे मिलने वाला है। और इसके देखें इसकी भाई इंस्ट्रूमेंट कंसोल के फीचर्स को कैसे ऑपरेट होता है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे। देखो सबसे पहले तो की दिखा दूं आपको, नॉर्मल सी की मिलेगी, अप्रेलिया की बैजिंग है, दो चाबियां मिलती हैं। जैसे ही आप इग्निशन को ऑन करते हो तो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट कंसोल कुछ ऐसा विजिबल होने वाला है, जिसमें कई सारे फीचर्स आपको जो नेसेसरी फीचर हैं वो आपको मिल जाएंगे, जैसे कि ABS वगैरह की लाइट है, लो फील्ड वार्निंग है, इंजन मालफंक्शन की लाइट है, हाई बीम लो बीम है। इसके बाद यहाँ पे मोड है, और मोड कहाँ से चेंज होता है, तो ये वाले बटन है, अब देखो स्पोर्ट, इको, रेन एंड, ये मोड आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसके बाद और भी जैसे यहाँ पे इंजन की किल स्विच है, इस वाले बटन से अगर आप देखते हो इंस्ट्रूमेंट कंसोल के सारे फीचर्स को आप ऑपरेट कर सकते हो। ये वाला हाई बीम लो बीम पास है, ये इंडिकेटर है, और ये हॉर्न काफी ज्यादा लाउड हॉर्न है भाई। उसके बाद यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट कंसोल में और क्या कुछ मिलता है तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए अगर आप इस बटन को प्रेस करते हो तो यहाँ पे टोटल जो किलोमीटर है, कितने डिग्री सेल्सियस है, कितनी माइलेज है, वो सारी चीज़ बताएगा, कोल्ड वगैरह टेम्परेचर वगैरह ये दिखाएगा। इसके बाद आगे चलते हो तो यहाँ पे RPM की लिमिट्स हो जाएगी, और भी कई सारे टॉप स्पीड वगैरह, रियल टाइम माइलेज, म्यूजिक आ जाएगा, ऐप कनेक्शन आ जाएगा, जो भी सारी चीज़ें हैं, फ़ोन कनेक्टिविटी वाले फीचर्स आ जाएंगे। तो जितने भी आपको फीचर्स मिलने वाले हैं इसमें, वो सारे आपके काम के फीचर्स होने वाले हैं। और उसके बाद इसमें फीचर्स एडिशनल फीचर है, जैसे कि ट्रैक्शन कंट्रोल है, जैसे कि क्विक शिफ्टर है, और यहाँ पे असिस्टेंट स्लीपर क्लच है, राइड बाय वायर की टेक्नोलॉजी है। RS 457 की आपको साउंड कैसी मिलने वाली है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। अभी जो
कई सारे फीचर्स आपको इस बाइक में मिल जाएंगे। अप्रिलिया आरएस 457 अगर आप परचेज करना चाहते हो भाई, 4,13,000 रुपए इसकी प्राइस है एक्स शोरूम। आप कोई सा भी मॉडल ले लो, कोई सा भी कलर ऑप्शन ले लो, 4,13,000 इसकी एक्स शोरूम है। और लगभग लगभग अगर आप दिल्ली में परचेज करते हो तो ये मान के चलिए कि 480-485 लाख इसका जो है ऑन रोड प्राइस जाने वाला है। और इस बाइक को लेके आप एक सुपर बाइक वाली फीलिंग का मजा ले सकते हो। कैसी लगी आपको ये वीडियो, कैसी लगी आपको ये बाइक, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना। अगर वीडियो में आपको कुछ भी पसंद आया हो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।